दोस्तों, पहले तो इंडिया अंडर 19 क्रिकेट को बहुत बहुत धन्यवाद अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने के लिए। बहुत बहुत बधाई उनको। बहुत अच्छा उन्होंने खेला, कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वो विनर की तरह नहीं खेले। हर मैच में उन्होंने बहुत अच्छे से खेला है और बहुत बड़े अंतर से हराया है क्रिकेट दूसरे क्रिकेट टीम को। तो जो अभी वर्ल्ड कप हाल ही में अंडर 19 का बीता है, उसमें सबसे ज्यादा जो विकेट लिया है जिस क्रिकेटर ने, अनुकूल रॉय ने, वो हमारे समस्तीपुर बिहार से आते हैं। ये मुझे नहीं पता था, ये न्यूज में आने लगा कि बिहार के समस्तीपुर के अनुकूल रॉय हैं, समस्तीपुर से हैं, जो कि झारखंड क्रिकेट से खेलते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि बिहार से बहुत सारे, और यही एक सिर्फ ये नाम नहीं है, अनुकूल रॉय ही नाम नहीं है। आपने आईपीएल में देखा होगा शाहबाज नदीम भी खेलते हैं, वो हमारे मुजफ्फरपुर से हैं। ईशान किशन आईपीएल में खेलते हैं, वो भी पटना से, कंकड़बाग पटना से हैं। और ये दोनों तीनों क्रिकेटर झारखंड से खेलते हैं। क्यों ऐसा क्यों है? मैं सिर्फ बिहार राज्य के सीएम नीतीश कुमार, जो खेल मंत्री हैं, या फिर जो भी और पास्ट में जितने भी रहे हैं मुख्यमंत्री, या फिर जो भी आला अधिकारी रहे हैं खेल मंत्री या मुख्यमंत्री बिहार, मैं उन सबसे पूछना चाहता हूँ, क्यों हम लोग बिहार में ऐसा नहीं कर सकते कि बिहार में ही हमारे जो क्रिकेटर हैं वो बिहार में क्रिकेट खेलें, बिहार में ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए, वो सुख सुविधाएं दी जाए उनको, क्रिकेटरों को, जो हम जो अदर राज्य के लोग देते हैं अपने क्रिकेटरों को, वो चीज हम क्यों, हमारे इतने अच्छे अच्छे क्रिकेटर क्यों किसी अलग राज्य में जाके खेलें? बंगाल के लिए, बिहार, झारखंड के लिए, यूपी के लिए, क्यों बिहार के क्रिकेटर जाके किसी दूसरे राज्य में खेलें? चलिए मान लेता हूं कि पहले बिहार क्रिकेट को मान्यता नहीं दी गई थी। क्यों नहीं मान्यता दी गई थी? इसमें किसकी गलती है? इसमें बिहार के क्रिकेटरों की तो गलती नहीं है कि वो बिहार में जन्म लिए, बिहार के हैं वो। गलती तो आपकी है, गलती तो आपकी, आपको इनिशिएटिव लेना चाहिए था कि नहीं भाई, हमारे राज्य के क्रिकेटर हैं, क्यों दूसरे राज्य से जाके खेल रहे हैं? आपको तीन तीन एसोसिएशन बना के बैठ जाएंगे आप लोग, एक लालू यादव का, कीर्ति आजाद का, पता नहीं किसका किसका। अरे यार, आप एक एसोसिएशन बनाइए ना, आप खुद का भला थोड़ा कम सोचिए और ये सोचिए कि बिहार के क्रिकेटर जो हैं उनका हम भला कैसे करें, उनको कैसे आगे लेके जाएं। बिहार ने ऐसे ऐसे क्रिकेट महान क्रिकेटर दिए हैं। हाँ, हो सकता है कि वो थोड़े बहुत नाम ऐसे भी हैं जो कि आप लोगों ने उतना नहीं सुना होगा, लेकिन एक ऐसा नाम है जिसको पूरा वर्ल्ड जानता है, और वह महेंद्र सिंह धोनी। आज भले आप लोग ये कहते हैं कि वो झारखंड क्रिकेट से खेलते थे या झारखंड क्रिकेट का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था, ठीक है, लेकिन जब बिहार और झारखंड एक में था, तब तो वो बिहार से खेलते ही थे। बिहार झारखंड जब 2000 सन 2000 में जब झारखंड अलग हुआ बिहार से, तब भी महेंद्र सिंह धोनी ने 2 से 3 साल तक बिहार से क्रिकेट खेला है। लेकिन बिहार की स्थिति उस टाइम ऐसी हो गई जो कि झारखंड अलग हुआ बिहार से, और सबसे पहले उनको बीसीसीआई से मान्यता मिल गया क्रिकेट, रणजी क्रिकेट खेलने के लिए उनको मान्यता मिल गया, झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन को, और बिहार को मान्यता नहीं मिला। तो क्यों नहीं कोई चाहेगा दूसरे राज्य से जाके क्रिकेट खेलने के लिए? तो इसमें गलती किसकी है? इसमें हमारे बिहार राज्य की गलती है कि धोनी जैसा कोहिनूर हीरा जिसको हम लोगों ने खो दिया, आज हम ये कह सकते थे कि नहीं, धोनी बिहार के हैं लेकिन वो झारखंड से जाके खेलते हैं। क्रिकेट ही नहीं, आप किसी भी गेम को उठा के देखिए ना, बिहार में क्या स्थिति है, बिहार में किसी भी गेम की, या बैडमिंटन हो, टेनिस हो, फुटबॉल हो, कोई भी क्रिकेट, कोई भी गेम आप कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि हाँ भाई, ये इसने क्रिकेट में जाके उन्होंने हाई गेम में जाके उन्होंने हाई लेवल पे अच्छा। तो पटना पायरेट्स जैसी टीम है जो कि दो दो बार उसने प्रो कबड्डी लीग में जीता है, उसको बिहार राज्य से कुछ मदद मिलती है, कुछ बढ़ावा मिलता है, कुछ उसका बड़े स्तर पे प्रचार प्रसार किया जाता है? नहीं, किसी को पता भी नहीं कि पटना पायरेट्स जैसी टीम है और उसने दो दो बार जीता है प्रो कबड्डी लीग। बिहार के लिए बहुत फक्र की बात हो सकती है, गर्व की बात हो सकती है। बिहार में किसी भी गेम को लेकर कोई भी सरकार आज तक उसने अपना इंटरेस्ट दिखाया ही नहीं है, कुछ किया ही नहीं है किसी भी गेम के लिए बिहार सरकार ने। अगर किया होता तो शाहबाज नदीम, ईशान किशन, महेंद्र सिंह धोनी, या फिर अभी अनुकूल रॉय, ऐसे ऐसे क्रिकेटर जो कि बिहार से हैं वो जाके किसी और राज्य से जाके नहीं खेलते। जब बिहार राज्य से क्रिकेट होता था तो कितने अच्छे अच्छे क्रिकेटर बिहार में दिए हैं, आप सवा करीम, कीर्ति आजाद, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कि बिहार से खेलते थे। बिहार में आप बिहार का एक जो क्रिकेट स्टेडियम है जिसने दो दो तीन तीन वर्ल्ड कप का प्रतिनिधित्व किया है, पटना का मोइनुल हक स्टेडियम, आप उसको सही से नहीं रख पा रहे हैं। आज मोइनुल हक स्टेडियम की जाके स्थिति देखिए क्या है, वहां गाय भैंस बकरी आपको चरती हुए मिलेंगे।
क्या मतलब क्या शो करना चाहते हैं जो और देश हैं और भारत के जो राज्य हैं क्रिकेट को लेकर या किसी भी गेम को लेकर, कितना वो कितना उस चीज के बारे में सोचता है, और हमारे बिहार में ऐसा कुछ है ही नहीं। किसी भी गेम को लेकर हम सोचते ही नहीं। हमारे जो क्रिकेटर हैं, हमारे जो और खेल खेलने वाले यहाँ के हैं, वो दूसरे राज्य से जाके खेलते हैं। तो हमें इस चीज पे सोचना होगा और हमें ये सोचना होगा। अभी बहुत अच्छी बात है कि अभी कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने बिहार रणजी क्रिकेट टीम को मान्यता दे दिया है, बहुत अच्छी बात है। अब बिहार भी रणजी में खेलेगा, जैसे पिछले 18 साल से रणजी क्रिकेट नहीं खेल रहा था बिहार, अब बिहार भी रणजी क्रिकेट खेलेगा, बहुत अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने तो मान्यता दे दिया। लेकिन इसके लिए बिहार राज्य कितना सोच रही है अपने राज्य के क्रिकेटरों के लिए, बिहार राज्य कितना सीरियस है इसके लिए? मैं अगर पूछना चाहता हूँ जो बिहार राज्य के भी मुख्यमंत्री हैं या खेल मंत्री हैं, वो लोग थोड़ा सा भी उनको नहीं पता होगा, कि उनको ये भी नहीं पता होगा कि बिहार राज्य क्रिकेट टीम को रणजी में खेलने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दिया है। उनको ये भी नहीं पता होगा। अगर उनको पता होता तो बिहार में जो बिहार के जो क्रिकेटर हैं उनके लिए सुख सुविधाएं तैयार की जाती, उनके खेलने की व्यवस्था की जाती, मोइनुल हक स्टेडियम को अच्छा किया जाता, उसको सही तरीके से किया जाता, जबकि बीसीसीआई ने पैसा भी दे रखा है, पैसा देती है बीसीसीआई बिहार क्रिकेट को उस चीज को ठीक करने के लिए। लेकिन बिहार राज्य से भी सपोर्ट मिलना चाहिए, राज्य सरकार का अपने किसी भी जो अपने राज्य के खिलाड़ी हैं उनको अगर सपोर्ट नहीं मिलता है तो कोई भी खेल संस्थान सपोर्ट करके वो उसको नहीं आगे लेके नहीं जा सकती। बिहार किसी भी राज्य का उसके खिलाड़ियों को सपोर्ट करना बहुत जरूरी होता है किसी भी गेम में। तो मेरा कहना सिर्फ और सिर्फ बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं या जो खेल मंत्री हैं उनसे कहना यही है कि बिहार में जो खेल की व्यवस्था है उसको ठीक करना है। एक आप लोगों को याद होगा जब महेंद्र सिंह धोनी फिल्म आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें उसका उस फिल्म का एक डायलॉग था, कुछ बातें हो रही होती हैं तो कुमुद मिश्रा बोलते हैं कि आप यही पूछना चाहते हैं ना कि हमारे बिहार से कोई इंडियन क्रिकेट टीम में क्यों नहीं खेलता है, ये बहुत फेमस डायलॉग था। तो वो बोलते हैं कि क्योंकि हमें क्रिकेट नहीं, क्रिकेट से ज्यादा हमें पॉलिटिक्स पसंद है। तो यही है, बिहार में खेल संस्थान नहीं, हर चीज में पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में ठीक है, पॉलिटिक्स में आप इंटरेस्ट लेते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, वो चीज है, लेकिन यहाँ तो हर चीज में पॉलिटिक्स है। क्रिकेट में भी पॉलिटिक्स है, बैडमिंटन में भी पॉलिटिक्स है, हर खेल संस्थान में पॉलिटिक्स है। यहाँ तीन तीन एसोसिएशन लोग बना के बैठ जाते हैं, बिहार के क्रिकेटरों का कोई भला सोचने वाला नहीं है। तो मेरा कहना सिर्फ और सिर्फ बिहार के सीएम नीतीश कुमार से और बिहार के जो खेल मंत्री हैं उनका उनसे यही कहना है कि अब थोड़ा सा आप इस चीज के लिए सीरियस हो जाइए और बिहार क्रिकेट को, जो बिहार क्रिकेट के भविष्य हैं उनको, उनके बारे में सोचिए और उनके लिए कुछ अच्छा सोचिए, तो बिहार का भला होगा और हम लोग भी गर्व से कह सकेंगे कि हमारे भी बिहार राज्य के क्रिकेटर खेलते हैं, रणजी में खेलते हैं, आईपीएल में खेलते हैं। और अच्छा, अंत में सिर्फ दो बातें मैं कहना चाहूंगा आप लोगों को, ये वो मुझे कहना तो नहीं चाहिए, बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, बहुत बहुत बड़ा नाम, और आपने अपना खुद का बिहार में एक एसोसिएशन बनाया हुआ था और आपके बेटे जाके दिल्ली डेयरडेविल्स में खेलते हैं, दिल्ली की टीम से खेलते हैं, कैसा मतलब क्या है ये? आप अपने राज्य में वैसा नहीं कर सकते हैं, सुख सुविधाएं नहीं, आप अपने राज्य में क्रिकेट, पप्पू यादव के बेटे जाके क्रिकेट दिल्ली से खेलते हैं, आप भी बिहार से सांसद हैं, उनकी वाइफ भी बिहार से सांसद हैं। यार आप लोग राज्य में अपने, आप लोग अगर अपने बेटे को नहीं खेलने के लिए बोलेंगे बिहार में वैसा माहौल नहीं देंगे हम, तो कैसे आगे और सब क्रिकेटर कैसे बिहार से खेलेंगे, कैसे बिहार से आगे आएंगे? तो बिहार क्रिकेट को लेकर आप लोगों को सोचना होगा, बिहार के जो बड़े बड़े लोग हैं जो क्रिकेट को, क्रिकेट एसोसिएशन से उनको उनको मिलना होगा, जाकर बिहार के मुख्यमंत्री से, बिहार के खेल मंत्री से उनको मिलना होगा, और आप लोगों को भी मुख्यमंत्री जो है, खेल मंत्री जो है, उन लोगों को भी आगे आके इन सब चीजों से सोच के बारे में सोचना होगा और बिहार के क्रिकेटरों का भविष्य कैसे सुधरे इन सब चीजों पर ध्यान देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।